तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो गेट है, जब यहाँ पे जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि जो जलस्तर जो होता है उससे इसका जब जलस्तर बढ़ जाता है, उस टाइम इस गेट को खोला जाता है। इसका जो दूसरा जो गेट है, यानी कि जिससे बिजली बनाया जाता है, जहाँ पे कि मोटा सा पाइप लगाया हुआ है, वो आपका जैसे आगे दिख रहा होगा जो सीढ़ी हल्का हल्का, उस सीढ़ी के नीचे में जाली है लगा हुआ, और वहीं पर जो है पाइप का गेट है। दूर से देखने से ये पतला लग रहा था, लेकिन जितना नज़दीक हम लोग आते जा रहे हैं, देखिए ये हम लोग के सामने विशाल रूप अपना लेके है, और अभी हम लोग तो चूजा लग रहे होंगे अंडा जैसा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से पानी भी लीक हो रहा है इस जगह से, देखिए वीडियो वीडियो शूट करने के लिए परफेक्ट जगह है। रील्स वगैरह अगर आप चाहते बनाने तो आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी डेंजरस भी है, आपका यहाँ पे एक गलती आपका जान भी ले सकता है, तो अगर आइएगा भी तो थोड़ा संभल के। और तो दोस्तों फाइनली ये जो रोड आप लोग देख रहे होंगे बायां साइड, ये आप लोग का गोला जाएगा, तो हम लोग ये वाला रोड नहीं जाएंगे, हम लोग राइट वाला रोड यानी कि सीधे वाला रोड में चलेंगे। और फाइनली दोस्तों कुछ दूर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे बायां साइड एक मंदिर दिखेगा, वहीं से आप लोग को लेफ्ट मुड़ जाना है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग सीधे ये जो आप लोग लेफ्ट मुड़ के हम लोग सीधे जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहीं पर हम लोग का जो आज का लोकेशन है यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग देखिए कहाँ पर हम लोग आज आए हैं, आप लोगों को सारा जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और प्रणाम। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज संजू देहाती ब्लॉग्स में। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों देखिए आज एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं आप लोगों को एक और नया जगह, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये है सिकिद्री का पावर प्लांट। जी हाँ फ्रेंड, सिकिद्री का हाइड्रल पावर प्लांट, यानी कि जो स्वर्णरेखा विद्युत गृह जो है उसी का ये ऊपरी हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ से कि जब गेदलसूर डैम का जो पानी कैनल के माध्यम से जो आता है और आके दोस्तों देखिए यहीं पे इकट्ठा होता है, जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, और फिर इसी के बाद जो है कि पाइप के माध्यम से होकर जो है कि नीचे जाता है, जो कि मैं आप लोगों को इसके बाद जो नीचे जाकर वीडियो आप लोग को जब दिखाएंगे वहाँ पर सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर कि कैनल के माध्यम से पानी आता है और आके यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो दोस्तों बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को यहाँ इस बिजली प्लांट का फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं, किस प्रकार से काम करता है, बाकी किस प्रकार से यहाँ बिजली निर्माण किया जाता है, और जो ये बिजली है वो किस प्रकार से यहाँ जो हमारे रांची शहर तक पहुँचाया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाकी चलिए थोड़ा सामने ले चलते हैं आप लोग को और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं उधर नीचे का, घाटी के नीचे का नज़ारा काफ़ी सुंदर देखने को लग रहा है, देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे उधर जो भी रामगढ़ का, वहाँ से आप लोग को शायद जो डैम है वो भी दिखाई दे रहा होगा हल्का, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, धूप है इसके वजह से चमक जा रहा होगा, लेकिन जो है कि यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्य आप लोग को देखने को मिल रहा है। और तो दोस्तों आप लोगों को इस जगह से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग इधर देख रहे होंगे पीछे साइड में जो ब्लैक ब्लैक कलर का आप लोग को हल्का गेट दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो गेट है, जब यहाँ पे जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि जो जलस्तर जो होता है उससे इसका जब जलस्तर बढ़ जाता है, उस टाइम इस गेट को खोला जाता है, और जो है कि इधर आप लोग को दिख रहा होगा साइड में, इधर बगल में ये साइड में जो कैनल आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए इधर, तो दोस्तों इसी कैनल के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पानी यानी जो होता है वो नीचे की ओर जाता है, जो कि आप लोगों को वीडियो में आगे आप लोग को दिखाएंगे नीचे चल के। और बाकी जो है कि इसका जो दूसरा जो गेट है, यानी कि जिससे बिजली बनाया जाता है, जहाँ पे कि मोटा सा पाइप लगाया हुआ है, वो आपका जैसे आगे दिख रहा होगा जो सीढ़ी हल्का हल्का, उस सीढ़ी के नीचे में जाली है लगा हुआ, और वहीं पे जो है पाइप का गेट है। बाकी यहाँ से हम लोग को थोड़ा उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने का। तो उसी जगह से जो है कि वहाँ पे पाइप माध्यम से जो पानी है वो नीचे जाता है, जैसा कि इधर आके आप लोग को आगे दिखाना चाहेंगे, पाइप हल्का हल्का दिख रहा है हम लोग को उधर, तो उसी पाइप के माध्यम से होके जो है पानी नीचे जाता है, और जाने के बाद में जो बिजली घर में लगा जो मोटर यानी कि जो विद्युत जनित्र है उसमें जाके पानी गिरता है, और जब मोटर वहाँ से घूमती है उसके बाद में है कि हम लोग का बिजली उत्पादन होता है। और जब बिजली उत्पादन होता है तो केबल के माध्यम से, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे होंगे जो स्टेशन यानी यहाँ बनाया हुआ है, उस तरफ यानी कि लाया जाता है, इधर आप लोग को दिखाएंगे, देख सकते हैं इधर।
और तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में जो स्टेशन बना हुआ है यहीं पे जो बिजली बनता है वो आके एक तरह से यहाँ पहुँचता है और फिर जो है इसके बाद यहाँ से जो बिजली है केबल यानी कि जो खंभों के माध्यम से होते हुए हमारा रांची हटिया स्टेशन तक जाता है और फिर वहीं से जो बिजली है हम लोग का चारों तरफ बंटता है। तो बाकी इसका जो पूरा प्रोसेस या फिर जिस जगह पे ये बिजली बनती है उस जगह आप लोग को लेके चल रहे हैं नीचे और सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाकी इस जगह से हम लोग नीचे चलते हैं। तो आइए आप लोग वीडियो में भी बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली ये पीछे साइड का व्यू है, अब आगे साइड से तो आप लोग को दिखा दिए थे, ये पीछे साइड का व्यू है और इस तरफ से जब हम लोग आते हैं दोस्तों तो नीचे हम लोग फाइनली पूरा पहुँच जाते हैं जहाँ से पाइप गया हुआ है। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं पाइप। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दूर से देखने से ये पतला लग रहा था लेकिन जितना नज़दीक हम लोग आते जा रहे हैं देखिए ये हम लोग के सामने विशाल रूप अपना लेके है और अभी हम लोग को चूजा लग रहे होंगे अंडा जैसा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से पानी भी लीक हो रहा है इस जगह से देखिए और देख सकते हैं इधर पूरा ये आगे तक जो आप लोग को दिख रहा है ये पूरा पाइप है और इस तरह से होके ये बिजली घर में फाइनली जाता है और वहाँ पर जाके बिजली उत्पादन होता है जो कि आगे आप लोग को पूरा दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं पाइप काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी विशाल रूप में है देखिए। और तो दोस्तों जैसे ही हम लोग नीचे उतरने लगेंगे तो हम लोग को यहाँ पे घाटी के बीचों बीच एक महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग को सामने ले चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर बजरंग बली सामने में है और ऊपर में भी एक बजरंग बली जी का यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है जैसा कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे। और दोस्तों देख सकते हैं इस झरना का नाम है झरना महादेव बाबा मंदिर जो कि ऊपर में है, आप चाहे तो ऊपर जाके भी यहाँ पे भोलेनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग ऊपर गए हैं और ऊपर से सारा कुछ देख लिए और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और फिर यहाँ से आप लोग को नीचे लेके चलते हैं जहाँ पे कि बिजली उत्पादन होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और तो दोस्तों जैसे ही हम लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं हम लोग को घाटी के बीच में से हम लोग को ये वाला जगह मिलता है जैसा कि आप लोग एक बोर्ड दिख रहा होगा और यहाँ से जो राइट साइड वाला जो रोड है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में बोर्ड लिखा हुआ है जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में। तो हम लोग उसके बाद आगे रोड में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों देखिए, और ये कुछ यहाँ का सीन आप लोग देख रहे होंगे आगे चलते हुए आप लोग को दिखा रहे हैं। बाकी फाइनली हम लोग को आगे जो है कि उसका गेट नज़र आएगा जो कि आगे आप लोग चल कर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को आगे साइड में गेट दिख रहा होगा, तो बाकी चलिए वहाँ पे चल के आप लोगों को सारा कुछ बताते हैं। और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे आप लोग जैसे कि कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह सिकंदरी का पावर हाइड्रो स्टेशन जो है जहाँ से कि बिजली उत्पन्न किया जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स, और जहाँ का बिजली पूरे रांची में सप्लाई किया जाता है। तो बाकी हम लोग आए थे यहाँ पर विजिट करने के लिए लेकिन जो है कि अंदर जाने का अलाव नहीं है। और बता दूँ दोस्तों कि ये जो जगह है यहाँ पे दो यूनिट है और दो यूनिट पे यहाँ पे बिजली बनाई जाती है और प्रत्येक यूनिट पे 65-65 मेगावाट का बिजली यहाँ पे बनाया जाता है। और जो बिजली है इसी बिजली के माध्यम से है कि पूरा जो हम लोग का रांची है यानी कि जो हटिया है वहाँ पे पहुँचाया जाता है पहले और उसके बाद जो है पूरा रांची में इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दोस्तों बाकी यहाँ हम लोग को तो अलाव नहीं मिला आगे जाने का लेकिन हम लोग इसके बगल में जो आगे साइड जहाँ से कि पानी गिरने का जो झरना है उस ओर जाते हैं और वहाँ चल के आप लोगों को इसके बारे में और अच्छे तरीके से दिखाते हैं और कुछ और जानकारी है जो आप लोगों को बताते हैं। और तो दोस्तों चलिए हम लोग जिधर पानी गिरता है उस तरफ लेके जाते हैं और कुछ दृश्य आप लोग को वहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं और जो भी आगे का कुछ जानकारी आप लोग को शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए। और तो दोस्तों फाइनली देखिए हम लोग जो स्वर्णरेखा बिजली गृह है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं यानी कि उसके जो नीचे का हिस्सा है हम लोग वहाँ पे उपस्थित हैं अभी। और आप लोग को पीछे ये दिख रहा होगा बड़ा सा इमारत, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यही है स्वर्णरेखा बिजली गृह, यहीं पे जो है कि बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देखे पहले कि वहाँ अलाव हम लोग को नहीं मिला घुसने का, तो इसलिए हम लोग उसके नीचे तरफ आए हैं जिधर जब बिजली उत्पन्न हो जाती है बन जाती है उसके बाद जो पानी की शोर आता है और हम लोग इधर ही आए हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो बिजली गृह है ये लगभग 1982 से 83 के दशक में दोस्तों बनाया गया था और यहाँ पे दो यूनिट है जिसमें से कि ये पहला यूनिट है आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे। तो एक यूनिट यानी इसका जो क्षमता है बिजली उत्पन्न करने का वो 65 मेगावाट है और दोस्तों एक दूसरा यूनिट है जो कि हुनरू फॉल है ना उसी के जस्ट बगल में है जिसका भी क्षमता 65 मेगावाट बिजली बनाने का है।
और तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ का जो बिजली बनता है वही बिजली हम लोग का हटिया स्टेशन जाता है और फिर वहीं से जो है कि पूरे रांची में इसका बिजली मतलब सप्लाई किया जाता है। और तो दोस्तों इस वर्ष बारिश कम होने के कारण जो है कि बिजली में यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी है कि बिजली आप लोग को मिलते रहेगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जैसा कि आप लोग इधर देख रहे होंगे ये कैनल से जो पानी आ रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य आप लोगों को देखने में लग रहा होगा। तो दोस्तों बता दें कि इसका जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में देखे ऊपर में हम लोग जहाँ पानी जमा किया जाता है तो वहीं से जो एक्स्ट्रा पानी जो बन जाता है यानी कि बच जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उस पानी को उस ओर से गिराया जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर देख रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सामने जाते हैं और आप लोग उधर दिखाते हैं। और तो दोस्तों ये जगह आप लोगों को कैसा लग रहा है या फिर इस जगह के बारे में आप लोग को पहले किस तरह से जानकारी था, बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जगह आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी चलिए अभी चलते हैं इस ओर से, थोड़ा घना इधर झाड़ी उड़ी है पर कोशिश करते हैं सामने आप लोगों को लेके जाते हैं उसके बाद दिखाने का। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सबको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों को किस तरह कहाँ कहाँ जाना नहीं पड़ता है, तो आप लोग का भी इतना सा तो प्यार बनता है हम लोग के प्रति कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों का मकसद है अच्छे से अच्छे जगहों से लेकर अच्छा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, जो कि मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग भी सपोर्ट प्यार बनाइए रखिए। और देखिए हम लोग इधर आ रहे थे, हम लोग को एक केकड़ा केकड़ा यानी जिसे हम लोग घर के भाषा में खखरा बोलते हैं वो हम लोग को देखने के लिए मिला है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग इससे होकर ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पे और ये हम लोग यहाँ तक चढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये जगह काफ़ी सुंदर दृश्य भी है और साथ ही साथ ये जगह स्पेशल भी है, क्योंकि इसी जगह से हम लोग को बिजली मिलता है और इसी के बदौलत जो है कि हम लोग घरों पे उजाला में रहते हैं दोस्तों। और जो भी है कि ये जगह वीडियो वीडियो शूट करने के लिए परफेक्ट जगह है, रील्स वगैरह अगर आप चाहते हैं बनाने तो आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी डेंजरस भी है, आपका यहाँ पे एक गलती आपका जान भी ले सकता है, तो अगर आइएगा भी तो थोड़ा संभल के। बाकी आप लोग देख सकते हैं दृश्य काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। और तो दोस्तों फाइनली आप लोग को मैं बता दूं कि जो यहाँ पे बिजली उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है, अगर अंदर जाने के लिए दिया जाता तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश करता, बट यहीं से मैं आप लोगों को कुछ दिखा के और समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग ऊपर में दिख रहा होगा जो मोटा सा पाइप दिख रहा है, तो जहाँ की ऊपर पानी इकट्ठा किया हुआ था और जो उससे बाद जो पानी है उस पाइप के माध्यम से होके जो है कि इस घर के अंदर में आता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे कि जो मोटर लगा हुआ है और जो मोटर लगा हुआ है तो जब पानी जो है कि ऊपर से आके उस मोटर पे जब गिरता है तो जो है कि मोटर वहाँ से घूमता है यानी रोटेट करता है, और जब मोटर घूमता है तो जिसके माध्यम से क्या होता है ना, घर्षण बल उत्पन्न होता है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो मेथड यानी प्रोसेस है उसके माध्यम से यानी उसके द्वारा जो है कि यहाँ से बिजली मतलब कि उत्पन्न किया जाता है, और जो वही बिजली है केबल के माध्यम से जो है कि आगे हम लोग का जो स्टेशन है यानी जहाँ बिजली इकट्ठा किया जाता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, और जो है फिर वहाँ से सब स्टेशन के माध्यम से हम लोग के घरों तक बिजली आता है। और तो दोस्तों फाइनली आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल दोस्तों या फैमिलियों में, ताकि ये वीडियो जो भी है कि और लोगों तक पहुँच सके। और बाकी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ जय हिंद वंदे मातरम।